अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत ही खास, क्योंकि साथियों आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं या जिस क्लास में आप सभी साथी ने शिरकत किया है, ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मायने रखता है। इसी क्लास से आपके सवाल डिसाइड होकर के आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और कर लेते हैं। आइए साथियों, शुक्रिया आप सभी साथियों का जो लोग जुड़ गए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मैं ये दरखास्त करता हूं कि पहले आप लोग उनको शेयर कर दें ताकि वह भी जुड़ जाए। और आज की जो क्लास है साथियों, इस क्लास के अंदर में एक मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट के तौर पर एक मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है उनमें आपने नोट से भी पढ़ा है, क्लास से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी दिमाग में कितनी चीज स्टोर है, आपकी स्कीमा के अंदर में कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने स्टोर किया है, इसी का आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, यानी मॉक टेस्ट कर रहे हैं साथियों। तो आइए, और इस मॉक टेस्ट में वही सवालात हमने यहां पे जमा किया है जो एक्सपेक्टेड है, जो इम्कानी सवालात हैं, ठीक है। तो जूनियर लेक्चर वाले आप खासकर इसमें ध्यान दीजिएगा, कसीदा निगारी को टोटल आपको आज निचोड़ के और एक जूस बनाकर आपको इसको पी लेना है, ताकि फ्यूचर में आप कभी कसीदे के मुतालिक कोई भी सवाल आप गलत ना कर सके और आप जो है कि सही तौर पर एग्जाम कर सकें। चलिए साथियों, शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो बराबर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप हमें बता सकते हैं कि आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, डिस्प्ले बराबर है, आप हमें देख पा रहे हैं और आप हमें सुन भी पा रहे हैं, और आप अपने मोबाइल पर हमारी हरकत पर नजर रख रहे हैं। क्या आवाज वगैरह पहुंच रही है? जो हमारे नए मेहमान हैं उनसे दरखास्त, अगर आप हमारे पास पहली बार आए हैं तो आप लाइक कीजिए, उसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने रिलेशन को और अपने फ्रेंड्स को आप इसमें इनवाइट कीजिए, और इसी तरीके से आप पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आप हमारा पेड मेंबरशिप लेकर के पेड मेंबर बन जाइए, जिससे आपको भी फुल मजा मस्ती आए पढ़ने में, और हमें भी एक अंदर से दुख दर्द कुढ़न के साथ पढ़ने और पढ़ाने में मजा आए। साथियों आइए, आज कसीदा निगारी को मुकम्मल अपने दिमाग में घुसेड़ने की, डालने की और साथियों ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पेपर में सवालात यहीं से पूछे जाते हैं, इस बात को आज आप मान जाएंगे और आपको मानना ही पड़ेगा। नए मेहमानों के लिए कि भाई ये क्लास रोज रात को 9 बजे होती है, आपको अगर मेंबर बनना है, मेंबरशिप लेनी है, तो 9045 9787 47 पर रब्ता करके आप हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं। आइए, आवाज वगैरह क्लियर है तो हम क्लास की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों, ठीक है। सबसे पहला सवाल, और आज हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथियों, आज हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं और इसमें कसीदे निगारी को पढ़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल क्या है पहला, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है साथियों। पूछा क्या गया यहां पे आपसे, सवाल नंबर एक है, किस सिनफ का जुज्व, क्या पूछा यहां पे, जुज्व किस सिनफ का जुज्व, वह है आपको बताना है कसीदा, ऑप्शन नंबर दो है मरसिया, ऑप्शन नंबर तीन में है मसनवी, ऑप्शन नंबर चार में साथियों क्या है, नजम। बताइएगा
किस सिनफ का जुज्व है इस चारों ऑप्शन में? क्या कहते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग हमें बताएं ताकि हम क्लास को सही तौर पर आगे लेके बढ़ सकें। क्या कहते हैं आप लोग, क्या है इसका सही और राइट आंसर साथियों, जल्दी से बताइएगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन ओपन है, जल्दी से। तो याद रखिएगा साथियों, सवाल नंबर एक का यानी कि एक नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर भी एक ये सही है। ये साथियों कसीदे के सनफ यानी जुस जो है वो कसीदे का एक हिस्सा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे साथियों, यहां गुरेज है, असल में क्या यहां पे यहां लिखा हुआ था गुरेज, गुरेज किस सिनफ का जुज्व है, यहां क्या लिखा था गुरेज किस सिनफ का जुज्व है, तो गुरेज समझ गए आप लोग, अब आप समझ में आ गई होगी आपको कि आप गड़बड़ी कहां कर रहे थे। गुरेज किस सिनफ का हिस्सा है, तो कसीदे का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर दो देख लेते हैं, सवाल नंबर दो में पूछा है कसीदा का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है, कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है गालिब, ऑप्शन नंबर दो है साथियों जौक, ऑप्शन नंबर तीन में है सौदा और ऑप्शन नंबर चार में साथियों मुहसिन। तो याद रहेगा कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है, ऑप्शन रिपीट हो चुका है और जल्दी से आपको इसका जवाब देना है। तो याद रखिएगा दो नंबर सवाल है और इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जौक जो है इसको सबसे बड़ा कसीदे का शायर माना जाता है। आइए बड़े अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल जो है साथियों सवाल नंबर कितना है तीन, पूछा है आपसे ठीक है तज़हीक़े रोजगार किसका कसीदा है, मैंने आपको पढ़ाया था ना तज़हीक़े रोजगार, परसों ही इसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो तज़हीक़े रोजगार किसका कसीदा है, ये साथियों ऑप्शन नंबर ए में है मुहसिन, ऑप्शन नंबर दो में है सौदा, ऑप्शन नंबर तीन में है जौक और ऑप्शन नंबर चार में साथियों गालिब। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, मोबाइल आपके पास है, बताइएगा सवाल नंबर कितना है तीन और इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है, यानी कि तज़हीक़े रोजगार किसका कसीदा है। तो इसका भी साथियों ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा, ये साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, ठीक है, ये तज़हीक़े रोजगार है। आइए अगली बात जो हम कर रहे हैं साथियों, अगर आपको पोल मिल रहा है तो जवाब दीजिए, क्योंकि पोल हम डलवाते हैं लेकिन पोल के अंदर जो बंदा बैठता है वो पोल देता है आपको, लेकिन जब बार बार आप पोल के अंदर आंसर नहीं करते हैं तो उन्हों भी बेजार होकर छोड़ डालते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपको जहां सहूलत हो वहां आप जो है कि आंसर कीजिए, लेकिन आंसर हम तक पहुंचना चाहिए। जहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये किसका कसीदा है, कसीदे की एक लाइन है यहां पे, कितने लाइन, एक लाइन, और पूछा है ये कसीदा किसका है, जौक का, ये कसीदा किसका है मोमिन का, ये कसीदा किसका है मोहसिन का, ये कसीदा किसका है सौदा का। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा सवाल नंबर चार और इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए साथियों, जल्दी से बताइएगा किसका, ऑप्शन नंबर ए यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये जौक का, हमने इसको कल ही तो पढ़ा है ना, याद होगा आपको, चलिए अच्छी बात है जवाब दिया आपने, एक नंबर इसका करेक्ट आंसर है जौक। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहां देखना है आपको, जल्दी से आप लोग लाइक करें, शेयर कर दें, अपने तमाम साथियों को जोड़ लें, क्योंकि आप क्लास करें ना करें, जब थ्योरी बेस हो लेकिन आप प्रैक्टिस कर ले तो ये प्रैक्टिस भी साथियों आपको कामयाबी दिला सकती है, जल्दी से आप लोग जुड़ने की कोशिश करें। कसीदा किस लफ्ज से मुश्तक है, कसीदा
किस लफ्ज से मुश्तक है, किस लफ्ज से कसीदा बना है, यह पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है मकसद, ऑप्शन नंबर दो में साथियों कासिद, ऑप्शन नंबर तीन में है मकसूद और ऑप्शन नंबर चार में साथियों कसद। बताइएगा कसीदा किस लफ्ज से निकला है। पांच नंबर सवाल, सवाल नंबर कितना साथियों पांच, और इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि साथियों कसीदा कसद से निकला है। कसद के माने क्या है, इरादा करना। क्या साथियों, इरादा करना। आगे बढ़ेंगे, अगला साथियों सवाल नंबर छह है। आइए, बड़ी अच्छी बात है, तादाद बढ़ रही है आपकी, बस आपको शेयर करने की जरूरत है। अगर आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं तो क्या पता फिर आपके नसीब कहीं आपके साथ का भी रवैया ऐसा ना हो। आइए आगे चलेंगे, सवाल नंबर छह, गजल की तिहत और किस सिनफ में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों कसीदा, ऑप्शन नंबर दो में नजम, ऑप्शन नंबर तीन में मरसिया और ऑप्शन नंबर चार में साथियों मसनवी। तो यहां तक क्लियर है, आवाज वगैरह क्लियर है, क्योंकि आप लोगों की कमेंट जो है ना बहुत धीमी धीमी सी आ रही है, लगता है कि रात के 9 बज गए हैं और आप लोगों का जो है कि डिनर नहीं हुआ है। तो चलिए डिनर कर लीजिएगा, अभी वक्त है आपके पास, चलिए अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा आज वक्त ज्यादा लिया जाएगा और आपको थोड़ा जमकर क्लास करनी होगी, तादाद आपको बढ़ानी होगी। तो इसका सही जवाब कितना, छह नंबर का, जल्दी बताइएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही को देना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का साथियों कितने नंबर, छह नंबर का, यानी सवाल नंबर छह है और इसका आंसर जो आपको देना है, आंसर साथियों इसका एक नंबर करेक्ट हो जाएगा, कसीदा। ठीक है, आइए सवाल नंबर कितना साथियों सात, कसीदा वो नज्म है जिसमें के अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, नबी की तारीफ बयान की गई हो, बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान की गई हो, या ऑप्शन नंबर चार है किसी की भी तारीफ बयान की गई हो। क्या कहते हैं, कसीदा वो नज्म है जिसमें किसकी तारीफ बयान की गई हो, यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है सवाल नंबर सात और ऑप्शन नंबर, जल्दी से आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इनका करेक्ट आंसर है, जिसमें किसी की तारीफ बयान की गई हो, जिसमें किसी की हिजब बयान यानी बुराई बयान की गई हो। कसीदे के अंदर दोनों चीजें खास है, यानी कि दोनों चीजें, मदह भी आता है और साथियों हिजब भी आता है कसीदे के अंदर में। तो यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। सवाल नंबर कितना साथियों आठ, दर्ज ज़ेल में से कसीदे के अज्जाए तरकीबी की कौन सी तरकीब दुरुस्त है। अब यहां आपको तरकीब बताना है। मैंने बताया ना कसीदे के कितने हिस्से होते हैं, पांच, कितने होते हैं पांच, जो मैंने आपको डिटेलिंग के साथ बता रखा है तारीफ के साथ। आज उन पांच में से एक गायब है लेकिन चार जरूर है, और वही चार को यहां उलट फेर करके तरतीब से दिया गया है, आपको उसी तरतीब कायम रखना है आठ नंबर का। तो साथियों सवाल नंबर आठ और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में है तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। ऑप्शन नंबर दो गुरेज, तशबीब, मदह, दुआ। ऑप्शन नंबर तीन तशबीब, गुरेज, दुआ, मदह और ऑप्शन नंबर चार में साथियों गुरेज, तशबीब, दुआ, मदह। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए, पहले तस्बीब है, फिर गुरेज है, फिर मदह है, फिर मुद्दा, फिर दुआ है। तो मुद्दा यानी आरज वो यहां पे मेंशन नहीं है, यानी साथियों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो बताने के लिए आप हाजिर हैं, सुनने के लिए मैं हाजिर हूं। सौ दाने कुल कितने मदहिया कसाइद लिखे हैं ये आपको बताना है, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने तारीफ वाली कितने कसीदा लिखे हैं। कसीदा बुराई वाली भी होती है और तारीफ वाली भी होती है। तो तारीफ वाली को क्या कहते हैं, मदहिया, बुराई वाली को क्या कहते हैं, हिजविया। क्या कहते हैं, हिजविया। ठीक है, तो सौदा ने कुल कितने कसायद लिखे हैं
39 यानी कि साथियों 39, 31 31, ऑप्शन नंबर दो साथियों 21 यानी कि 21, ऑप्शन नंबर फोर तुम्हें साथियों 11 11। तो क्या है इसका राइट आंसर आपको बताना है। सवाल नंबर 9 है और इसका राइट आंसर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 9 नंबर सवाल का आपको देना है सही जवाब। जल्दी कीजिए आप लोग, क्या कहते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों 10, नाकिदीन की नजर में सौदा के बाद कसीदा नगारी में किसे इम्तियाज हासिल है, किसकी नजर में, तो नाकिदीन की नजर में, गालिब की, जौक की, मोमिन की, या साथियों मोहसिन की। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन आपको देना है, ऑप्शन रिपीट हो चुका है, सवाल नंबर 10 है और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, जल्दी से 10 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाकिदीन की नजर में सौदा के बाद कसीदा नगारी का इम्तियाज किसे दिया जाता है, नाकिदीन की नजर में सौदा के बाद, तो जौक को दिया जाता है। चलिए, गड़बड़ हो गई। चलिए सवाल नंबर 11, मौजे कौसर किसका शहर ए आफाक नातिया कसीदा है, समझ में आई आपको, अल्लामा इकबाल की, ऑप्शन नंबर दो में है सौदा की, ऑप्शन नंबर तीन में है अल्लामा इकबाल सोहेल की, ऑप्शन नंबर चार में साथियों मुहसिन काकोरवी की। मौजे कौसर बताइएगा, सवाल नंबर 11 और इसका सही जवाब क्या आना चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए, ये आपके सिलेबस में नहीं जेल वालों का, लेकिन यूसीजी और सेट एग्जाम का ये सिलेबस है। तो मौजे कौसर किसका शरे आफाक नातिया कसीदा है, तो याद रखेंगे। चलिए एक सवाल और यहां पर है, 12 नंबर में सौदा ने कितने हिजविया कसायद लिखे हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है एक, दो में है दो, और साथियों तीन में है तीन, और चार में है चार। क्या है इसका राइट आंसर, सौदा ने, यानी के 12 नंबर सवाल है, जवाब भी आप ही को देना होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनका सही जवाब है, चार इनके हिजविया कसायद है, किसके, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के। बस आप लोग जवाब देने में कंजूसी कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आज सवाल बहुत ज्यादा है और आपकी तादाद जो है कि उनके हिसाब से कम है। चलिए, मुसहफी ने किसे कसीदा का नुकाशे अव्वल कहा है, नुकाशे अव्वल कहा है, याद रखिएगा सौदा, मोमिन, अल्लामा इकबाल सोहेल और साथियों जौक। तो मुसहफी ने किसे कसीदा का नक्काशे अव्वल कहा है, सवाल नंबर कितना है 13 और इसका आपको अगर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जल्दी से इसका ऑप्शन रिपीट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 14, कसीदे के किस जुज में, किस जुज के मतलब क्या है, किस हिस्से में इल्म अखलाक रासती अदल व इंसाफ जुर्रत और सखावत वगैरह को बयान किया जाता है, तो साथियों तशबीब में बयान किया जाता है, गुरेज में बयान किया जाता है, मद्दह में या फिर दुआ में, बताइएगा सवाल नंबर कितना है 14, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से मुझे आप बताइएगा, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर तीन साथियों इनका सही जवाब है, यानी तारीफ के अंदर में ही इल्म अखलाक की बात होती है, सच्चाई की बात होती है और इंसाफ की बात होती है, जुर्रत पसंदी की और सखावत की बात होती है। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 15, कसीदा तजही के रोजगार बजाहिर किस जानवर की हिजव में लिखी गई है, या किस जानवर की बुराई है, तजही के रोजगार बजाहिर किस जानवर की हिजव है, यह सवाल आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए में गधा, ऑप्शन नंबर दो में है घोड़ा, ऑप्शन नंबर तीन में है हाथी, ऑप्शन नंबर चार में है ऊंट, क्या कहते हैं आप लोग, इन चारों जानवरों में से बताइएगा वो जानवर कौन है
जो कसीदा तजही के रोजगार के अंदर में हिजवी बयान की गई है उसी जानवर के मुतालिक है। यानी कि साथियों क्वेश्चन नंबर 15 और ऑप्शन साथियों इसका 2 सही हो जाएगा, यानी कि घोड़ा। ठीक है, चलिए घोड़ा देख लिया आपने, आगे और चीज देखते हैं, घोड़े के बाद क्या मिलेगा वो देखते हैं। गालिब के 4 कसाइद हैं, कितने? 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में कितने कसीदे हैं ये पूछा है। जब मैं आपको गालिब को थ्योरी बेस पढ़ा रहा था तब गालिब के कसाइद को भी पढ़े थे आप, अगर पढ़े हैं तो बताइएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए में साथियों 1, ऑप्शन नंबर 2 में है 2, ऑप्शन नंबर 3 में है 3 और ऑप्शन नंबर 4 में है 4, यानी कि 4, 3, 2, 1 क्या है इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए साथियों ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इनका करेक्ट आंसर है। 2 कसीदे जो है कि बहादुर शाह की, बहादुर शाह जफर की शान में लिखी है। चलिए साथियों सवाल नंबर कितना है 17, गालिब का सबसे तवील कसीदे कितने अशार पर है? गालिब का सबसे तवील कसीदा किसने कितने अशार पर मुश्तमिल है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है 58, आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है 85, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों 105, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों 158। क्या है इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 साथियों, गुलदस्त ए रहमत अबियात नात मदी खैरुल मुरसलीन नजम दिले अफरोज और अनीसे आखरत किसके कसाइद के नाम है या किसके कसाइद है? आपको बताना है मोमिन के, सौदा के, मुहसिन के या साथियों गालिब के। 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है 18 का, जल्दी से बताइएगा। और बताने का मकसद यह है कि आपको मालूम होना चाहिए आपके दिमाग में क्या है। जल्दी साथियों ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ये मुहसिन काकोरवी के हैं। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले साथियों एक सवाल आपसे प्राइवेटली कि क्या आप लोगों ने लाइक कर दिया है, क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है, क्या आप सब्सक्राइबर हैं? तो ये काम अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो साथियों याद दिलाने के लिए मैं कहता हूं आप कर दीजिए, ये आपके बुनियादी काम है और ये आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला काम जो होता है हमारा पेड मेंबर बनकर एक मेंबरशिप ले लीजिए, जो आपको सिर्फ ओनली वन इतने में एक मेंबरशिप मिल जाती है जहां आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए साथियों तो एक 19 नंबर सवाल, सवाल नंबर कितना साथियों 19, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगाजल, ये कसीदा किसका है? यही आपके पास सवाल है। चलिए आपके पास ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर ए में है मोहसिन, ऑप्शन नंबर 2 में है जौक, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों सौदा और ऑप्शन नंबर 4 में है मोमिन। क्या है इसका राइट आंसर जल्दी से कीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, यह कसीदा किसका है? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मोहसिन जो है कि आप इनको पढ़ रहे हैं 19 नंबर का और ये मोहसिन साहब दुरुस्त जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर कितना साथियों 20, बहादुर शाह जफर ने खाकानी हिंद का खिताब किसे अता किया है? ठीक है, और ये सवाल आपको याद रखना है VVI समझ करके, बहादुर शाह जफर ने खाकानी हिंद का खिताब किसे अता किया था? तो गालिब को, जौक को, शाह नसीर को, शेफता को। क्या साथियों 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप ही को देना है, जल्दी दीजिएगा। 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौक को, और हाल ही में भी यह क्लास आपने थ्योरी बेस पढ़ा है। चलिए अच्छी बात है और आप लोगों को याद भी है, जवाब भी अच्छे आ रहे हैं। सवाल नंबर 21 साथियों,
सौदा को किसने मुल्क शुआरा का खिताब से नवाजा है? मुल्क शहर नहीं है बल्कि ये क्या है, मुल्क शुआरा, मुल्क शुआरा। ठीक है, तो सौदा को किसने मुल्क शुआरा के खिताब से नवाजा है, आपको देना है ऑप्शन के हिसाब से जवाब। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर दो अकबर शाह सानी, ऑप्शन नंबर तीन नवाब शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर चार नवाब आसिफुद्दौला। 21 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना साथियों, 21 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर आपको देना है, जल्दी करें, नवाब आसिफुद्दौला, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इनका सही जवाब है, नवाब आसिफुद्दौला। सवाल नंबर साथियों 22, दर्ज जेल में से कौन जौक का शागिर्द नहीं है? सवाल का मतलब क्या है, इन चारों में से ऐसा कौन शख्स है जो जौक के शागिर्द नहीं है या जौक उनके उस्ताद नहीं है? सवाल नंबर कितना है 22, ऑप्शन आपको बताना है, नवाब मिर्जा खानदाद, गालिब, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद हुसैन आजाद। जल्दी करें साथियों, लाइक शेयर करने के बाद फिर आपको जवाब देने में जल्दी करना चाहिए ताकि आप सही से तैयारी किए हैं तो उस मुझे पता भी चल सके 22 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से। तो ये साथियों गालिब, गालिब हम असर हैं, शागिरद नहीं है, ऑप्शन नंबर दो इनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब देखते साथियों सवाल नंबर कितना है 23, पहलवाने सुखन किस शायर को कहा जाता है? क्या पूछा गया आपसे, पहलवाने सुखन किस शायर को कहा जाता है? गालिब को, सौदा को, जौक को, नासिख को, बताइएगा। ये 23 नंबर सवाल, सवाल नंबर 23 और इसका राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 23 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर, चलिए, पहलवाने सुखन, जो पहलवाने सुखन किस शायर को कहा जाता है? एक मिनट, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। 22, 22, 23, चलिए आगे बढ़ें। सवाल नंबर 24 साथियों, मोहसिन काकोरवी का पेशा क्या था? मोहसिन काकोरी का पेशा क्या था? तो साथियों दरबारी शायर थे, मुअल्लिम थे, वकालत करते थे या साथियों तबीब थे? तो मोहसिन काकोरी का पेशा आपसे पूछा गया है, यानी काम पूछा गया है, और उनकी बिजनेस क्या था वो आपसे पूछा गया है, तो क्या था जल्दी से बताइएगा। 24 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, ऑप्शन नंबर तीन ये वकील थे, वकालत करते थे। क्या वकील की वकालत होगी, एक तरफ शायर दूसरी तरफ वकील, ठीक है। चलिए 24 का ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते रहिए, एनर्जी बना के रखिए, आप लोग शेयर करते रहें, जितने लोग जुड़ेंगे एनर्जी उतनी आगे बढ़ेगी, पढ़ाने में उतना मजा आएगा और आप जो है कि इतनी ही मेहनत से दिलचस्पी के साथ क्लास कर सकते हैं। बताइएगा, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो आपको शेर आपने पढ़ ही ली है और आपको जवाब देना है क्या कि गालिब का यह मशहूर शेर है किस सिनफ़े शायरी से ताल्लुक रखता है? दो चीज क्लियर हो गई कि यह है किसकी, तो यह गालिब की है। अब पूछा इस शेर की सिनफ, ये किस सिनफ से ताल्लुक रखती है? तो आपको याद रखना है इसकी सिनफ गजल है, मसनवी है, कसीदा है या साथियों मरसिया है। क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी दीजिए ना आप लोग। 25 क्वेश्चन नंबर है और इसका ऑप्शन आपको बताना है, 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि साथियों कसीदे से इनको ताल्लुक है। सवाल नंबर साथियों 26, किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसाइद दरबारे दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं? किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसाइद दरबार, दिल्ली के दरबार से ताल्लुक रखता है? तो जौक, गालिब, सौदा, मोमिन, मोमिन है, सौदा है, गालिब साहब है या जौक साहब है,
26 नंबर क्वेश्चन है और साथियों इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपको सही करके जवाब देना होगा। जल्दी करें आप लोग, क्योंकि टाइम आपकी वजह से कोई टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए साथियों जवाब देने की सही कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों 27 है। इस शेर का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है, वो शेर कौन सा है, वो ये है कि ईद यक रोज जहां में, रमजान है यक माह बाद है कसरते तकलीफ के या आयशे कलील। ठीक है, आपको बताना है इसका सिनफ। तो यहां मरसिया है, मसनवी है, कसीदा है, गजल है। तो याद रखिएगा साथियों ये किसका गजल है ये आप हमें बताइएगा, ये किस सिनफ और किसका कसीदा है ये आप हमें बताइए कि किसके कसीदे का ये अशआर है। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ये कसीदे की लाइन है। सवाल नंबर कितना साथियों 27। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28। हम आपके कमेंट्स में अगर ध्यान देते हैं तो वहां भी सवाल कुछ लोगों के बराबर है, बाकी आप लोगों के बराबर जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए लगता है कि आप लोग नोट से नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई इस नंबर पर रब्ता करके आप नोट एक बार पढ़ लीजिएगा, 9045978747। इस पे आप व्हाट्सएप करके, कांटेक्ट करके, कॉल करके, अब रब्ता करके नोट्स प्राइवेट नोट्स हासिल कर लीजिए जो आप सही से तैयारी कर सकें। सौदा ने किस बादशाह की मद्दह में कसीदा नहीं लिखा है, ये चार बादशाह हैं, इन चार में से ऐसा कौन सा बादशाह है जिसकी तारीफ मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने नहीं करी है कसीदे के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद शाह सानी, ऑप्शन नंबर 2 में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3 में शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों आसिफुद्दौला। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए राइट आंसर साथियों, जल्दी से ऑप्शन नंबर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की बात होती है, देखिएगा यहां पे। ठीक है, जल्दी से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 28 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 29 है, क्योंकि वक्त हो चुका है और आप लोगों के जवाब बराबर नहीं मिल रहे हैं। ज़ौक की उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मद्दाही में गुजरा है, ज़ौक इब्राहिम, ज़ौक कल ही आपने पढ़ा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद शाह सानी, ऑप्शन नंबर 2 सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 3 आसिफुद्दौला और ऑप्शन नंबर 4 में बहादुर शाह जफर। 29 क्वेश्चन नंबर का साथियों सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब भी आप ही को देना होगा। 29 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट जो है आपको ऑप्शन नंबर डी दे करके सही करना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 30 साथियों, होते सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज। ठीक है, होते सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं है शहबाज से चील। आई बात समझ में? आइए, दर्ज वाला शेर किस शायर के कसीदे से हैं, आप लोग इसको दिल पर ना लीजिए, बस शेर की हद तक रहने दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है जौक, ऑप्शन नंबर 2 में है गालिब, ऑप्शन नंबर 3 में है मोमिन और ऑप्शन नंबर 4 में है मुहसिन। क्या है इसका राइट आंसर साथियों, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि साथियों जौक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31 साथियों, मिर्जा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज्यादा किस जुज पर जोर दिया है, किस चीज पर, किस हिस्से पर सबसे ज्यादा कसीदे में जोर दिया है, कसीदे के 5 हिस्से हैं उनमें से किस हिस्से पर जो है कि जोर दिया है। पहला हिस्सा तशबीब, दूसरा गुरेज, फिर मदह, फिर दुआ। तो बताइएगा इन चारों में से गालिब ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है। 21 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1 नंबर सवाल का सही जवाब है गालिब साहब के लिए। चलिए सवाल नंबर 32 याद रखेंगे और 32 में आपको देखना क्या है। चलिए, नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर है, नातिया। अच्छा, नातिया कसीदे के मतलब समझते हैं। देखिए कसीदे में तारीफ भी होती है
और हिज्व भी होती नहीं, बुराई भी होती है, लेकिन नात जो है कि एक शख्स के लिए मखसूस है। आका दो जहां फखरे दो आलम सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जितनी भी अशार कहे जाते हैं, उनकी शान को बयान करते हैं, वो नात शरीफ कहलाते हैं। ठीक है, बाकी किसी किसी शख्स की अगर तारीफ करते हैं फिर उसे नात आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर है? तो सौदा, जौक, मोमिन और साथियों मुहसिन। तो क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए आइए 4 आंसर देकर के आप समझ गए कि अगला सवाल क्या आने वाला है। मुहसिन का कोरवी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है सौदा, 2 में है जौक और साथियों 3 में है अमीर मीनाई, 4 में है गालिब। तो क्या है इसका राइट आंसर 33 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन साथियों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, अमीर मीनाई। याद रखेंगे, मुझे पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन आपको जवाब देने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सवाल नंबर साथियों कितनी है? 34। उस माहिरे लिसानियात का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज किया है। आल अहमद सुरूर, मौलवी अब्दुल हक, जमील जालबी, रामबाबू सक्सेना। 34 क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए जब तक हम आपके कमेंट से पे थोड़ी नजर कर लेते हैं क्या जवाब आपके आए हैं। चलिए माशाल्लाह कुछ लोग हैं, इसलिए कहते हैं ना आप लोग शेयर करें, इसलिए आपसे कहा जाता है आप शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। शेयर करें ना, शेयर करने में क्या जा रहा है, हर किसी के पास कई कई ग्रुप से हैं, वहां शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड से तो आप कर ही सकते हैं। तो उर्दू से जो लोग महरूम है, दूर है, उन्हें करीब कीजिए और साथियों एक दूसरे को ताउन करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 2 मौलवी मोहम्मद अब्दुल हक साथियों ये सही जवाब है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर 35, खाकानी, अनवरी, जहीर फारियाबी किस जबान के कसीदे के मशहूर शुआरा है? उर्दू के, फारसी के, अरबी के, तुर्की के, किसके हैं जल्दी से बताइएगा और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 35 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब यानी के ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारसी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर साथियों कितनी है? 36। मकतजब कसीदा किसे कहते हैं जिसमें तशबीब की पाबंदी हो? ऑप्शन नंबर 2 जिसमें गुरेज की पाबंदी हो, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी ना हो। क्या साथियों इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 36 नंबर का सही जवाब क्या देते हैं आप लोग, जल्दी करें साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी ना की गई हो। अगली जो सवाल है वो आपके लिए यूं है, 37 नंबर में मुसब्बब कसीदा किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए जिसमें तशबीब की पाबंदी हो, जिसमें गुरेज की पाबंदी हो, जिसमें तस्वीर और गुरेज की पाबंदी, तस्वूर होगा तस्वीर, देखिए जिसमें साथियों तशबीह और गुरेज की पाबंदी ना हो। 37 नंबर का जल्द सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 38 देखिएगा, अब यहां से हम स्पीड चलेंगे क्योंकि आप लोगों को जवाब बराबर आ रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं वो देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दर्ज ज़ेल में से कौन सी किस्म कसीदे की नहीं है? मदहिया, वाजिया या साथियों बयानिया या निशाती? और 38 नंबर क्वेश्चन नंबर है और इसका साथियों सही जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर डी, ये निशाती जो है साथियों ये कसीदे की किस्म में नहीं आती है। सवाल नंबर साथियों 39, तशबीब और मद्दह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदे में क्या कहते हैं? साथियों गुरेज कहते हैं, दुआ कहते हैं, हुस्ने तलब कहते हैं या साथियों खातिमा कहते हैं? क्या है 39 क्वेश्चन नंबर का
राइट आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, गुरेज। चलिए सवाल नंबर 40 यानी के 40 इसका राइट आंसर दीजिएगा। गवासी के अक्सर कसीदे किसकी शान में लिखी गई है, कुली कुतुब शाह की, अब्दुल्ला कुतुब शाह की, नवाब आसिफुद्दौला की, या साथियों नवाब शुजाउद्दौला की। यानी के चार नंबर सवाल में सबसे करेक्ट जो आंसर है वो साथियों ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, कुली कुतुब शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, जब तक सवाल और ऑप्शन पढ़ा जाए आपको जवाब दे देना चाहिए। दर्ज ज़ेल कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक बीजापुर से नहीं है, ये निगेटिव पूछा गया है इसीलिए आपको याद रखना है। अली आदिल शाह सानी, शाही मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नुसरती और हाशमी। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर साथियों जल्दी से बताइएगा। 41 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर 41 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर दो साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, सवाल नंबर कितना है 42, किस कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मियार तनकीद माना जाता है, यानी किस कसीदे को या किसका कसीदा है उर्दू कसीदा निगारी का मियार माना जाता है, किसके कसीदे को वो किसका यानी किसके कसीदे को उर्दू कसीदा निगारी का मियार माना जाता है। और आपके पास जो साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है 42 और इसका राइट आंसर देना चाहिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुहसिन काकोरवी, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, या साथियों इब्राहिम जौक। क्या कहते हैं आप लोग इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। और साथियों फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग समझदार हैं। 42 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या आना चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं, जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए तो साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे साथियों सवाल नंबर कितना है 43, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा पसंदीदा कसीदा किसने लिखा है, ठीक है यहां क्या है कसीदा, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा पसंदीदा कसीदा किसने लिखा है, तो साथियों सौदा साहब ने, जौक साहब ने, अमीर मीनाई ने, या साथियों गालिब ने। 43 क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 44 साथियों, मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे, मोहसिन के थे, अमीर मीनाई के थे, दाग दहलवी के थे, या साथियों मोमिन के थे। मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे यह सवाल आपसे पूछा गया है 44 क्वेश्चन नंबर में। क्या है इसका राइट आंसर साथियों जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 45, निजामे दक्कन आसिफ जा सादिस जलील मानकपुरी को जश्न दहली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर किस खिताब से नवाज कर अपना उस्ताद मुकर्रर किया। आई होप कि आप लोग इतनी लंबी लाइन को समझ गए होंगे, फिर से आप लोग अपनी तरह से पढ़ लीजिए स्पीड में से, दबीरुल मलिक, खान बहादुर, जलीलुल कदर, है ना, और शमसुल उलमा, ये आप बस खिताब को चुनना है, क्या खिताब उनके लिए है। 45 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 साथियों, जलील मानकपुरी का जलीलुल कद्र। चलिए सवाल नंबर 46, नुसरती ने कुल कितने कसायद लिखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ये आप पढ़ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर 2 में 12, ऑप्शन नंबर 3 में 16 और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों 20। नुसरती ने कुल कितने कसायद लिखे हैं ये आपको सही जवाब देना है। 46 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों सही जवाब हो जाएगा। चलिए
सवाल नंबर 47, नुसरती के जुमला 12 कसायद में से कितने कसायद अली नामा में पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं या फिर 9 पाए जाते हैं? 47 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर साथियों 7 है। 7 कसीदे अली नामा में पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 48, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मुजम्मत की है? आइए साउथ वाले थोड़ा आप इन पर गौर कर लीजिए, ठीक है। तो किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मुजम्मत की गई है? जल्दी से बताइएगा। वजही, गवासी, हाशमी और साथियों नुसरती, यानी कि 48 क्वेश्चन नंबर है। जल्दी से, तो नुसरती साहब याद रखेंगे, नुसरती को आप लोग याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर कितना है, 49, दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार किसे माना जाता है? दक्कनी शायर में तो याद रखिएगा गवासी को, नुसरती को, निजामी को या साथियों मुकीमी को। क्या है 49 क्वेश्चन नंबर साथियों? जल्दी से, एक कम 50, ऑप्शन नंबर बी नुसरती, याद रखेंगे, ठीक है, नुसरती को माना जाता है। सवाल नंबर कितना साथियों, 50, ये याद रखेंगे। बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तिलाफ के बाद सौदा की सने विलादत क्या तय की गई है? यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश आपको बताना है कब हुई है। तो क्या है 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर साथियों, ए 1777, बी 1710 और सी 1713 और साथियों डी 1717। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 1707 साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। सवाल नंबर कितना साथियों, 51, दर्ज जेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं था? खान आरजू, शाह हातिम या फिर कायम या साथियों इस्लाम कुली खान। तो साथियों दर्ज जेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं था, इसका जवाब आपको देना है। और साथियों जल्दी कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर 51 क्वेश्चन नंबर का? क्या कहते हैं आप लोग, 51 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर साथियों कितना है, 52, यानी कि 52, किस मशहूर कसीदा निगार को कुत्ता पालने का बहुत शौक था जिसके पास उम्र के आखिर तक अच्छे नस्ल के कुत्ते मौजूद थे? सौदा, नुसरती, अमीर मीनाई, मुहसिन। हमने थ्योरी बेस्ड क्लास में आपको पढ़ाया है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में और यही इनका सही जवाब है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर कितना है, 53, जौक का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दिया गया था? आप इसे भी वीवीआई समझकर याद रखेंगे और इसका ऑप्शन देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है सावन, ऑप्शन नंबर 2 में है वो जहां, ऑप्शन नंबर 3 में है जहे निषाद और ऑप्शन नंबर 4 में है शब को। तो ये तमाम कसीदे के एक एक मिसरे हैं कि सावन में दिया फिर महेश शवाल दिखाई, या ऑप्शन नंबर 2 में है वो जान दारद नाफे आजा व हवास, ऑप्शन नंबर 3 में है जहे निषाद अगर कीजिए इसे तहरीर, ऑप्शन नंबर 4 में है शब को मैं सरे बिस्तर खाबे रहमत। क्या है इसका सही जवाब, क्या है इसका सही जवाब, 53 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, एक गांव के जागीरदार बने और ये मुफ्त में बने थे। सवाल नंबर 54 साथियों, जौक के किस कसीदे पर अकबर शाह सानी ने जौक की कादिरुल कलाम को देखते हुए उन्हें खाकानी हिंद का लकब दिया था? यह भी आपको याद रखना है वीवीआई समझकर और देखिएगा इसका ऑप्शन, जबकि सरतान वासिद महर मस्कन, नंबर 2 पे है आज जो यूं खुशनुमा नूरे सहर जंगे शफक, ऑप्शन नंबर 3 में है फिर वही बात कि सावन में दिया फिर माहे शवाल दिखाई, ऑप्शन नंबर 4 में है जहे निषाद अगर कीजिए इसे तहरीर। तो क्या है इसका राइट आंसर साथियों, 54
क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए जब आप नोट्स लेंगे ना तभी आपको पूरा फायदा होगा, यहां तो बस आप सरसरी तौर पर तैयारी कितनी है आपको यह मालूम हो जाएगा। रिपीट आप नोट्स से ही कर सकते हैं, नोट्स लेने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके पास होना चाहिए, आपको संपर्क कॉन्टेक्ट करनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने बाकायदा नातिया कसीदा लिखना शुरू किया था? सौदा ने, जौक ने, मीर ने, मुहसिन, काकोरवी ने? एक ही सवाल दो तरीके से पूछा गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 56। जल्दी कीजिएगा आप लोग, किसने अपने कसायद में हिंदुओं के मुकद्दस मकामात, उनके देवी देवताओं, मेलों, त्योहारों, काशी, मथुरा, कृष्ण, कन्हैया और राजा इंद्र वगैरह का जिक्र किया है? यह भी आप वीवीआई समझकर इसको रखें, क्योंकि वो चीज जो अहम हो वो पूछी जा सकती है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है गालिब, मुहसिन, मोमिन और साथियों सौदा, ये चार ऑप्शन है। 56 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर दो, मोहसिन साहब को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में साथियों क्या है, सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है कि उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फारसी उस्तादों के कसायद की टक्कर के हैं और बास तो उर्फी खाकानी के मोरकतुल आरा को भुला देते हैं? आपके पास ऑप्शन चार है, बताइएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद, राम बाबू सक्सेना, शिबली नोमानी, मौलवी अब्दुल हक, यानी के सही जवाब आपको देना है 57 क्वेश्चन नंबर का। जल्दी कीजिएगा, मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा आपके सवालों के जवाब का। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगली जो सवाल है साथियों वो ये है, 58 क्वेश्चन नंबर में, नातिया कसीदे के मौजिद और खातिब मुहसिन काकोरी किस पेशे से मुनसलिक थे? तो साथियों एक ही सवाल फिर बार बार पूछा गया है, पहले अगर आपने जवाब दे दिया होगा तो फिर ये आपके लिए बड़ा आसान होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 59। मुहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मीनाई ने किस सिनफ को एक मुस्तकिल सिनफ सुखन करार दिया है? 59 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, कसीदे को, मरसिया को, नात को? तो साथियों ऑप्शन नंबर चार इनका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 60। नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मुल्कु शौरा का खिताब दिया था? तो साथियों अमीर को, सौदा को, जौक को या साथियों गालिब को? जल्दी से 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, जल्दी से 60 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर दो साथियों इसका करेक्ट आंसर है, सौदा को। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन नंबर है साथियों, सौदा किसके शागिरद थे? जल्दी से बताइएगा, सौदा जो थे वो किसके शागिरद थे? अमीर के, मीर हसन के, मीर जाहिक के या साथियों शाह हातिम के? 61 क्वेश्चन नंबर, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ये किसके शागिरद थे? ऑप्शन नंबर चार साथियों यही इनका करेक्ट आंसर है, ये इनके शागिरद थे। साथियों क्या आप लोगों ने लाइक कर दिया है? जल्दी से बताइएगा, क्या आप लोगों ने लाइक कर दिया है, है ना, शेयर किया के नहीं? आप अपने तरफ से क्या आप पेड मेंबर बने के नहीं? ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, करना भी चाहिए, इन सभी चीज को जरूरी है आपको तैयारी करने के लिए। तैयारी के दो तरीके हैं, एक तो क्लास अटेंड करना है, दूसरा फिर जो है कि आपको साथियों जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है उसको आपको पढ़ना है और संजीदगी से लेना है। और इसी शेर के साथ के मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आप घर बैठे रहें, कुछ लोग तैयारी करते हैं नोट्स से और क्लास से, और कुछ लोग सिर्फ क्लास क्लास खेलते, कभी यहां देखेंगे कभी वहां देखेंगे, नोट्स हासिल नहीं करेंगे, बाद में फिर क्या कहेंगे, जी चलो नसीब में नहीं था तो नहीं हुआ। तो साथियों ये ऐसा नहीं हो सकता, न कर तकदीर का शिकवा,
मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। कदम आपको आगे बढ़ाना ही होगा, किसी ना किसी को आपको फॉलो करना ही होगा, तभी जाकर के आप सक्सेस हो जाएंगे। साथियों बताइए कैसा रहा आज का ये क्लास, ये सेशन, ये मॉक टेस्ट और ये वॉइस, ये बातें और ये चीजें। अगर अच्छी रही दुआओं से नवाजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और साथियों पेड मेंबर बनाने की कोशिश करें, मेंबरशिप आप लोग लें ताकि आपके साथ साथ मेरे भी हौसला अफजाई हो सके और हमारे जो चीजें कम पड़ती जा रही है उसे हम हासिल कर सकें। दीजिए साथी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।